नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए लखनऊ में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हमारी सरकार बनने पर 10 दिनों में किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। जिन लोगों को आवारा पशुओं की वजह से हुए नुकसान को झेलना पड़ा उन्हें 3,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और गोधन योजना शुरू की जाएगी। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को जारी किए गए कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में बताते हुए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने बताया कि सरकार आने पर बिजली बिल माफ होगा, कोविड प्रभावित परिवारों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे, साथ ही कांग्रेस 20 लाख सरकारी नौकरियां भी देगी। तो कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र आज लखनऊ में जारी कर दिया है। प्रियंका गांधी ने खुद इस घोषणा पत्र को जारी किया है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को इस घोषणा पत्र को जारी करते हुए कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में बताते हुए प्रियंका गांधी ने बताया कि सरकार आने पर बिजली बिल माफ होगा, कोविड प्रभावित परिवार को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, कोविड प्रभावितों के लिए भी एक बड़ी योजना ला सकती है कांग्रेस, 25,000 रुपए दिए जाएंगे, जहां मुफ्त की राजनीति देखने को मिल रही है, कई लुभावने वादे देखने को मिल रहे हैं। कैसे देख रहे हैं कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को? जी शिखा, अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के संकल्प और समाजवादी पार्टी के जो हेलो जी विभांशु, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो कांग्रेस के संकल्प पत्र को कैसे देख रहे हैं? जी अगर बात करें तो भाजपा की तरफ से संकल्प पत्र और जो समाजवादी पार्टी के वजह से की तरफ से जो सत्य वचन के बाद आज लखनऊ में प्रियंका गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया गया, इसमें साफ तौर कि जो लोभ लुभावने वादे हैं वो पूरी तरह किए जा रहे हैं, जिसमें आपने देखा कि समाजवादी पार्टी 1 लीटर पेट्रोल दे रही है और साथ ही ऐसे कई सारे लुभावने वादों को दे रही है, जैसे वो 2 गैस सिलेंडर दे रही है। वैसे आज के जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसमें साफ तौर से 3 सिलेंडर देने की बात कही गई है। वही जो नौकरी की बात करें तो 20 लाख नौकरियां दी जा रही है और साथ ही साथ जो आंगनबाड़ी की बहन जिया है उनको जो उनकी 6,000 प्रति माह सैलरी थी उसको बढ़ाकर लगभग 10,000 के करीब कर दी गई है। और आपको बताएं कि सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 10 लाख रोजगार की भी व्यवस्था की गई है कि अगर सरकारी नौकरी निकलती है उसमें 40% महिलाओं को नौकरी दी जाएगी और साथ ही साथ आउटसोर्सिंग को बंद किया जाएगा और ग्राम प्रधानों की सैलरी को 3,000 से बढ़ाकर 5,000 देने की बात कही जा रही है। वही जो गांव के चौकीदार हैं उनकी भी सैलरी बढ़ाने की बात कही जा रही है और आपको SC ST के जो बच्चे हैं उनकी KG से लेकर और PG पोस्ट ग्रेजुएट तक की शिक्षा मुफ्त दी जा रही है। तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि मुफ्त की राजनीति का उत्तर प्रदेश में पूरा परिवेश हो चुका है, चाहे अगर बात करें समाजवादी पार्टी, चाहे बात करें भाजपा, चाहे बात करें सपा, इन सभी के मैनिफेस्टो में मुफ्त की राजनीति का झलक देखने को मिल रहा है। वहीं बसपा की तरफ से मैनिफेस्टो जारी नहीं किया जाता है, वो सत्ता में आने के बाद काम करती है। जी शिखा, विभाषो, जिस तरह से किसानों को भी ध्यान में रखा गया है, 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, इस बात की भी घोषणा की गई है मैनिफेस्टो में, क्या कहेंगे? किसानों को लुभाने की हर कोई कोशिश कर रहा है, किसानों को लुभाने की कांग्रेस की कोशिश कितनी कामयाब होगी? अगर बात करें किसानों की तो किसानों के लिए ऐसे कई सारे लोभ लुभावने वादे किए जा रहे हैं और उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि गोबर को 2 रुपए किलो खरीद कर हम उससे बायो कंपोस्ट पिट और वर्मी कंपोस्ट पिट बनाकर वो जैविक खाद तैयार करेंगे और उसे बेचेंगे। तो ऐसी योजनाएं छत्तीसगढ़ में चल रही है और भूपेश बघेल जो अपनी भारतीय विधान घोषणा पत्र जारी किए थे तो उस दौरान भी बताया गया था कि ऐसे काम किए जाएंगे जिससे किसानों के हित में हो। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से 300 यूनिट बिजली मुफ्त और साथ ही साथ किसानों के लिए मुफ्त बिजली सिंचाई के लिए दी जा रही थी, तो ऐसा कांग्रेस की तरफ से भी किया जा रहा है। तो साफ तौर से हम कह सकते हैं कि इस बार के चुनाव में पूरी तरह से मुफ्तखोरी की राजनीति हो रही है। पुराने चुनाव की बात करें जो कांग्रेस द्वारा घोषणा पत्र जारी किए गए और जहां जहां पे भी सरकार बनी है कांग्रेस की, तो वहां पे कितने वादे पूरे किए गए हैं? जी आपकी आवाज़
शुभांशु, मैं अपना सवाल दोहरा रही हूँ। जिस तरह से कांग्रेस ने इससे पहले चुनावों में अपने घोषणा पत्र जारी किए, जहां जहां पर भी कांग्रेस की सरकार बनी वहां पे कितने वादे पूरे किए गए कांग्रेस द्वारा अपने मैनिफेस्टो में जारी किए हुए? जी, अगर बात करें तो तत्काल में राजस्थान के अंदर में और छत्तीसगढ़ के अंदर में कांग्रेस पूरी बहुमत के साथ आई, वहां उन्होंने तमाम वादे किए, मगर अभी सरकार वहां जो उनकी वो कार्यकाल होता है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, तो हम ये कटाक्ष नहीं कर सकते कि उन्होंने कितना कार्य किया। सरकार जब उनकी पूरा कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो हम उस इसका देख सकते हैं कि कितना उनका उनके तरफ से काम किया गया। लेकिन हम साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि जब चुनाव आता है किसी राज्य में तो वहाँ तमाम तरह के ऐसे लोभ लुभावने वादे किए जाते हैं जिससे जनता के अंदर का पोलराइजेशन किया जा सके और हम सत्ता में आ सके। जैसे अगर बात करें तो करंट में तत्काल में भाजपा के पिछले 5 सालों की बात करें तो भाजपा ने ऐसे कई सारे वादे किए, जैसे 24 लाख रोजगार और 70 लाख स्वरोजगार के बात की है, मगर आपने पोस्टरों में देखा कि 4 लाख रोजगार दिए। तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि ये बस एक चुनावी जुमला होता है घोषणा पत्र, और जमीन पर धरातल पर पूरा होते हुए नहीं दिखता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु जुड़े थे। तो कांग्रेस ने अपना आज घोषणा पत्र जारी कर दिया है, वहीं कल भाजपा और सपा का घोषणा पत्र जारी किया गया था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए गुरुवार यानी 10 फरवरी को मतदान होगा। इससे पहले केंद्रीय मंत्री और यूपी बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी अनुराग ठाकुर के संकल्प पत्र का ब्यौरा पेश किया गया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। प्रदेश के विकास के लिए संकल्प पत्र पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार ने नारी सुरक्षा स्वावलंबन पर काम किया है, फिर से महिला विकास पर तेजी से काम करेंगे, भाजपा महिलाओं का सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी पिंक बूथ बनाएगी, गांवों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। तो चुनावी वादे और दावे देखने को मिल रहे हैं। संकल्प पत्र पर बात करते हुए अनुराग ठाकुर ने कई बातें कही, वहीं सबसे ज्यादा अहम मुद्दा या उनका अहम फोकस महिलाओं पर रहा, महिलाओं की सुरक्षा पे बात की, पिंक बूथ बनाया जाएगा ऐसा बोला गया है अनुराग ठाकुर द्वारा। साथ ही बोला गया कि सीसीटीवी कैमरे भी गांवों में लगवाए जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से देखा जाता है कि अपराध पर लगाम लगाने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है, हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें कुछ ना कुछ कमियां जरूर देखने को मिल रही है। तो वजह यह मानी जा रही है कि वहां पे कुछ ढील देखने को मिलती है, सीसीटीवी कैमरे नहीं है, जिसकी वजह से अगर अपराध होता है तो अपराध ही पकड़े नहीं जा पाते हैं। तो इस वजह से सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात भी कही गई है, ताकि अगर कोई अगर अपराध की आशंका दिखाई दे या फिर अगर कोई अपराध होता है तो अपराधी को पकड़ना आसान हो जाए, जल्द से जल्द कार्रवाई भी की जा सके। अगर देखा जाए शहरी क्षेत्रों में तो शहरी क्षेत्रों में भी अपराध के ऊपर लगाम लगती हुई नजर आ रही है, और ग्रामीण क्षेत्रों पे भी अब ध्यान केंद्रित कर रही है सरकार। और इसी खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजहर खान जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अजहर, जो आज ये बात सामने आई है संकल्प पत्र को लेकर, अनुराग ठाकुर ने जो कुछ बातें कही है, क्या कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल, साफ तौर से जिस तरीके से आज अनुराग केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संकल्प पत्र को लेकर एक ब्यौरा पेश किया है और उसमें तमाम तरह की बातें कही गई हैं। वहीं महिला सम्मान को लेकर और महिला सुरक्षा को लेकर तमाम तरह की बातें की, महिला विकास को भी लेकर जो अनुराग ठाकुर का साफ तौर से ये कहना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिला सम्मान को लेकर और महिला के विकास को लेकर तमाम तरह की बातें कही, वो तमाम चीजें पूरी भी कही। इसके अलावा इस दौरान अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। साफ तौर से जिस तरीके से ममता बनर्जी अपने 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंची थी, उसको लेकर भी अनुराग ठाकुर ने घेरा और कहा जिस तरीके से ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश की जनता को गुंडा कहती आई है और उसके बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव उनकी अगुवाई करने के लिए पहुंचे जिस तरीके से, तो ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान है, ये भी अनुराग ठाकुर ने कहा। और इसके अलावा जिस तरीके से अनुराग ठाकुर का साफ तौर से ये कहना है कि कहीं कोई पोस्टर दल और कहीं परिवार के लोग, परिवार की जो महिला है वो दूसरी पार्टियों में जा रही है, वहाँ असुरक्षित अपने आप को समझ रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो महिला है वो सुरक्षित है। अजहर, जिस तरह से पिंक बूथ बनाने की बात कही गई है, अनुराग ठाकुर ने आज इस बात को कहा, कई जगह पे बने हुए हैं पिंक बूथ और सीसीटीवी कैमरे लगाने की ग्रामीण क्षेत्रों में बात कही गई है, तो जो सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, पिंक बूथ बनेंगे, इससे अपराध में कितनी कमी आएगी? बिल्कुल, जिस तरीके से आज अनुराग ठाकुर का साफ तौर से कहना है कि
जगह जगह पे बूथ बनाए जाएंगे और खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इससे पहले अपराध में काफी पकड़ मजबूत होगी पुलिस की और इससे काफी कम होगा अपराध। जिस तरीके से गाँव ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर इतना ज्यादा डेवलपमेंट अभी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि गाँव जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर भी सीसीटीवी फुटेज लगाएंगे तो कहीं ना कहीं इससे जो अपराध है वो काफी कम होंगे और अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। खबर फिरोजाबाद से है जहां नारखी के भाजपा नेता की गुंडई इतनी बढ़ गई है कि वो अब पत्रकार के साथ अभद्रता कर रहे हैं और सरिया पत्रकार को धमकी देते नजर आए, जबकि ये वही भाजपा नेता हैं जिन पर बलात्कारियों के साथ देने और पीड़ित पक्ष पर शिकायत वापस लेने का भी दबाव बनाया गया है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं पीड़िता ने क्या कहा है और उसके बाद आपको इन विधायक और पत्रकार के साथ की गई बदसलूकी भी सुनाएंगे। जी जान सेठ जो कहते हो पैसा ले लो और राजीनामा कर ले धमकी देते है, जो कहते झूठो के तो बलात्कार झूठो लगा हुआ। जी जान सेठ जो कहते हो पैसा ले लो और राजीनामा कर ले धमकी देते है, जो कहते झूठो के तो बलात्कार झूठो लगा हुआ। मैं ये कह रहा हूँ मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है, घर मिलना हो डायरेक्ट आकर के मुझसे मिलना। तो मुझसे आप मिनिस्टर हो तो मैं आपसे मिलूंगा। आप यहाँ से कितने आगे पीछे घूमते हैं मेरे, मैं क्यों आऊंगा आपसे? आप आओ मेरे पास में। मतलब तुम्हारे पीछे मेरे यहाँ से आगे पीछे घूमते हैं? अरे तुम क्यों, मैं क्यों जाऊंगा आपके पास में? बहुत बड़ा कलेक्टर हो गया तू, तमीज से ठीक है? तमीज से मैं बोल रहा हूँ, तमीज से औकात की बात मत करो। तुम्हारी औकात मैं जानता हूँ कितनी है। औकात क्या है मैं बता दूंगा, मैं औकात है तुम्हारी औकात क्या है मैं जानता हूँ, दलाली करते हो बता रहे तू है गाली मंदो गाली मंदो मैं बोल रहा हूँ। तुम्हारी औकात तुम गोली मारवा मेरे लिए, प्रधानमंत्री है तुम्हारे लिए, तुम प्रधानमंत्री हो मेरे लिए। फोन मत करना, बता दिया मैंने। तुम मेरे पास फोन मत कर देना, ठीक है ना? मेरे पास जगन सेठ की निकाल दूंगा ना, ठीक है? जी जगन सेठ जो कहते हो पैसा ले। खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता संजीव कुमार जुड़ चुके हैं फिरोजाबाद से। संजीव जी, खबर सामने आ रही है विधायक जी के ऊपर कई आरोप लगे, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि अभी तक इनके ऊपर कौन कौन से आरोप लग चुके हैं? ठीक है, मैं चलो ये करेक्शन कर दूं कि ये विधायक नहीं है, ये जिला महामंत्री है बीजेपी के। जी जगन सेठ इनका नाम है और इन्होंने अभी नारकी क्षेत्र में एक गुड़िया के साथ एक बलात्कार हुआ था, उसमें इन्होंने गुड़िया पे प्रेशर बनाया था कि 1,00,000 रुपए लेके राजीनामा करने का। जी संजीव, जिस तरह से पत्रकार के साथ अभद्रता कर रहे हैं और साथ ही दलाली का आरोप भी लगा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, इनके बारे में पहले से ये कहा जाता रहा है। एक तो ये टूंडला विधायक प्रेमपाल धनगर के बहुत करीबी माने जाते हैं और उसके बाद ये लगातार ये इस मामले में दबाव बना रहे हैं कि पीड़िता जो है वो 1,00,000 रुपए ले ले और राजीनामा इसमें कर ले। जी, तो जिस तरह से चुनावी माहौल है और सख्ती देखने को मिल रही है, शासन प्रशासन अलर्ट है, तो ऐसे में जो ये दबंगई करते हुए नेता नजर आ रहे हैं, इनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अभी तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है, पत्रकार ने इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया है, लेकिन पुलिस की लीपापोती लगातार नजर आ रही है, कोई इन पे कार्रवाई नहीं की है। सत्ता पक्ष के महामंत्री हैं तो कोई पुलिस इन पे जल्दी से हाथ डालने के बारे में सोच भी नहीं पा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता संजीव जुड़े थे फिरोजाबाद से। खबर बुलंदशहर से है जहां पर कद्दावर नेता ठाकुर सुनील सिंह ने रालोद छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। हजारों समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए एमएलसी और कई बार एमएलए का चुनाव भी लड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता ठाकुर सुनील सिंह जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह के बड़े भाई हैं और इन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। बुलंदशहर से खबर सामने आ रही है, एमएलए और एमएलसी का चुनाव कई बार लड़ चुके हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, तो रालोद का साथ छोड़ दिया है, पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है कद्दावर नेता ठाकुर सुनील सिंह ने। तो चुनावी समय है और ऐसे में अभी भी पार्टियों को छोड़ना और नए दलों का साथ पकड़ना अभी भी जारी है और कल से पहले चरण का चुनाव है, उससे पहले अब ये देखा जा रहा है कि अभी भी आरएलडी के नेता ने
पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। सीएम योगी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली है और आने वाले चुनाव के लिए पूरी तैयारी में दिख रहे हैं। बुलंदशहर से खबर सामने आ रही है, नेता सुनील सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कद्दावर नेता है ठाकुर सुनील सिंह और रालोद छोड़कर जब बीजेपी का दामन थामा तो वहां पे उनका भव्य स्वागत किया गया हजारों समर्थकों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे जब उन्होंने सदस्यता ली है बीजेपी की। एमएलसी और कई बार एमएलए का चुनाव लड़ चुके हैं, अच्छी पकड़ है, कई कार्यकर्ता और जन समर्थन भी है इनके साथ। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता ठाकुर सुनील सिंह जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह के बड़े भाई है। इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता शिवांक शर्मा जुड़ चुके हैं बुलंदशहर से। शिवांक, बीजेपी की सदस्यता ऐसे वक्त में ज्वाइन की है जब कल से पहले चरण के चुनाव है, तो चुनाव के ठीक पहले जो ये अभी भी पार्टियों को बदलने का खेल चल रहा है, क्या कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि सियासी गलियारों में राजनीतिक हलचल लगातार बढ़ती जा रही है और यही ऐसा ही एक मामला बुलंदशहर में भी देखने को मिला है। मैं आपको बता दूं कि जो कद्दावर नेता के रूप में है ठाकुर सुनील सिंह, उन्होंने कल ही बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, बीजेपी में शामिल हुए हैं, कद्दावर नेताओं के रूप में शुमार हैं। योगी जी का एक कार्यक्रम था जेवर में, खुद योगी आदित्यनाथ थे, सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने खुद ठाकुर सुनील सिंह को सदस्यता ग्रहण कराई और आधिकारिक तौर पर उनकी पुष्टि की गई। और ज्यादा बातचीत करने के लिए मैं आपको बताऊं, हमारे साथ में यहाँ पर ठाकुर सुनील सिंह के बेटे खुद मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। पर आज सदस्यता ग्रहण करी है ठाकुर सुनील सिंह जी ने, क्या कहना चाहेंगे कि इतना लेट ही क्यों? देखिए, उन्होंने पूरा इंतजार किया और अपनी विचारधारा को उन्होंने एक तरह से मजबूत बनाया, राष्ट्रवाद की तरफ लाए और फिर उन्होंने भाजपा के लिए मन बनाया। देखिए, पहले मेरे पिताजी एक कद्दावर नेता राष्ट्रीय लोकदल के थे और राष्ट्रीय लोकदल के नॉन जाट लीडर्स में सबसे पहले पंक्ति में उन्हीं का नाम लिया जाता था, परंतु पार्टी का जो व्यवहार रहा उनके साथ, मैं कहना चाहूंगा राष्ट्रीय लोकदल का, वो ठीक नहीं था उनके साथ। आखिरी दिनों में आप किसी को विदाई सम्मान के साथ भी दे सकते, तो यही बात थी जो उनको थोड़ा सा अंदर से हट करा। और दूसरी बात ये भी है कि देखिए, सब जानते हैं कि चुनाव का परिणाम क्या होने जा रहा है, मैं ज्यादा बात खुल के नहीं कहना चाहता, ये तो जनता जानती है कि क्या होने जा रहा है क्या नहीं होने जा रहा है। पर हम सब जानते हैं कि सत्ता किसकी रहने वाली है, जन सेवा करने के लिए सत्ता का होना बहुत जरूरी है, मैं ये बात खुल के कहना चाहूंगा। इस तरीके से लगातार आपके जो चाचा जी हैं धीरेंद्र सिंह हैं, वो जेवर के विधायक हैं, अच्छे नेताओं में शुमार हैं, कद्दावर नेताओं में शुमार हैं, तो वो लगातार बीजेपी में काफी दिनों से कार्यरत हैं, तो अब लेट इतने सुनील सिंह जी को इतनी लेट क्यों याद आई कि बीजेपी में उनको शामिल किया जाए? रालोद में इतना उन्होंने समय व्यतीत किया, बीजेपी में पहले ही क्यों नहीं आ गए थे? देखिए, मेरे पिताजी बुरे समय में भी राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहे, जब बड़े बड़े लोग जिनको आज टिकट दे रहे हैं जयंत चौधरी खुद बुलाकर, मुझे इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो लोग आसपास भी नहीं थे। मैं पूछना चाहता हूं, जो बुलंदशहर सदर से जिनको टिकट दिया है, उनकी क्या पृष्ठभूमि है राष्ट्रीय लोकदल को लेकर? क्या कभी जयंत जी सोचा कि मैं एक मिनट पूर्व आए व्यक्ति को, एक दिन पूर्व आए व्यक्ति को तो मैं टिकट दे देता हूं, परंतु जो व्यक्ति पूरे 5 साल संघर्ष करता रहा, तमाम ऑफर्स होने के बावजूद भी उन्होंने भाजपा नहीं ज्वाइन करी, आपने उस व्यक्ति की वफादारी को बिल्कुल भी कदर नहीं दी। किस तरीके से पार्टी के लिए आगे समर्पित रहेंगे? देखिए, अब मेरे पिताजी का इतिहास रहा है कि उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष बहुत किया पर जनसेवा भी बहुत ज्यादा करी। अब भी जैसे भी होगा वो सिर्फ जनसेवा करेंगे, लोगों की सुनेंगे, लोगों के काम करेंगे। वो भी एक वक्त था जब मेरे पिताजी की मर्जी के बिना इस जिले में कोई कार्य नहीं होता था, बड़े बड़े अधिकारी उनसे ही पूछ के कोई कार्य करते थे, और अब भी हमने तब भी अभिमान नहीं करा, जनता की सुनी, जनता का करा, और अब भी जब हमारा नहीं थी, जो बन सकता था हमने जनता के लिए किया। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मैं आपको बता दूं कि ठाकुर सुनील सिंह 4 बार विधायकी का चुनाव सियाना विधानसभा से लड़े हैं और 1 बार एमएलसी का चुनाव भी लड़े हैं, तो ठाकुर सुनील सिंह का सियाना विधानसभा में और जिले बुलंदशहर में काफी जनाधार देखने को मिलता है। ठाकुर सुनील सिंह अच्छे नेताओं में शुमार हैं और लगातार ये देखा जा रहा है कि ठाकुर सुनील सिंह की काफी दिनों से ये चर्चा में थी कि शायद कोई ना कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं कि जिसे बीजेपी में ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अब साबित हो गया है। पिछले कुछ दिन पहले ठाकुर सुनील सिंह ने सियाना विधानसभा में
क्षेत्र में जो मौजूदा विधायक हैं उन जो चुनाव लड़ रहे हैं सियाना विधानसभा क्षेत्र से, उनको उनका समर्थन ठाकुर सुनील सिंह के द्वारा सियाना विधानसभा क्षेत्र में देवेंद्र सिंह लोधी विधायक को मिला है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जनाधार ठाकुर सुनील सिंह के साथ में यहाँ पर देखने को मिलता है। बीजेपी विधायक है जेवर के, उनके भाई है ठाकुर सुनील सिंह, जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह का अच्छा खासा वर्चस्व रहता है जेवर में, उनके पास भी बहुत अच्छा खासा जनाधार देखने को मिलता है। कल जेवर में कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के दौरान मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जनसंवाद करने आए थे, जनसंवाद कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में मंच पर खुद योगी आदित्यनाथ ने ठाकुर सुनील सिंह को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई थी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शिवांग हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ संवाददाता बुलंदशहर से शिवांग जुड़े हुए थे। तो आरएलडी में सम्मान न मिलने की वजह से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है कद्दावर नेता ठाकुर सुनील सिंह ने। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।